तो भाइयों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं, आज नए टॉपिक है यूक्रेन और रसिया का युद्ध कब समाप्त होगा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और फेड इंटरेस्ट रेट कब कट करना शुरू करेगा इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो भी आपको चाहिए फेड वाला तो आप लिख देना, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट बात करते हैं आज के मार्केट के ऊपर। आज फ्राइडे है तो मैंने हमने ये बताया था दोनों तरफ मार्केट रहेगा, लेकिन कोई बड़े योग नहीं है, ठीक है। और ये भी बताया था कि मंदी की तरफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड मंदी का चल रहा है। लेकिन मार्केट खुलते ही न्यूज बेस था आज मार्केट, मतलब FII ने कुछ लिख रहे थे तो मैंने लिखा था आप लोगों को YouTube पर कि ब्लॉक डील हुई है इसलिए FII ने खरीदा है। तो 15,500 करोड़ रुपए का FII ने अडानी ग्रुप से शेयर वगैरह खरीदे, ठीक है, वो न्यूज बेस था मैन। तो अडानी ग्रुप के शेयर एक अच्छा बूम आया, ठीक है। और मैंने आपको बताया अभी था भाई ऐसे ऐसे आएगा, वो सारी चीजें आपको पहले बता के चल रहे हैं, वही चीज हो रही है, उसमें कोई नई नहीं है। मैंने बोला था यहां से एक इसमें बूम आएगा अडानी ग्रुप में, बताया हुआ है, वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो मार्केट सुबह से ही जहां से 15 मिनट की कैंडल बनी हमें दिख गया। मैंने आप लोगों को फ्री वाले पे भी कॉल दी थी, बैंक निफ्टी की ये टेलीग्राम चैनल है, पैसे डबल हो गए थे। अपने ग्रुप पे भी दी, 750 पे कटवाई थी और गई कितनी 800, 800 से भी ज्यादा गई थोड़ा सा। इसके बाद हमने फाइनेंस निफ्टी, मैंने फिर आपको डाला था, कुछ आदमी बोल रहे थे कि भाई पुट ले लें, मैंने बोला पुट नहीं लेना, निफ्टी अभी 200 पॉइंट और जा सकता है। देखो वहां से 41,300 अप्रोक्स पहुंच गया 400 जो बताया था, फिर मैंने वो भी कोड किया कि भाई डन। उसके बाद एग्जैक्ट उसी टाइम से लौटना शुरू कर दिया मार्केट ने नीचे की तरफ, जहां मैंने डन बोला है, आप टाइम देख लेना। तो ये हुआ था मार्केट में आज, ठीक है। तो ये हमने मार्केट की बात कर ली, अभी इसकी बात करते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है कि ईयरली ग्रुप हमने खोला है। देखो जहां मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं, देखो पीछे बजट के पास मैंने बताया था, देखो एग्जैक्ट हम 2 दिन में जो लो बनाएंगे उससे ऊपर जाएंगे, ऊपर गए, आपने देख लो कितने पॉइंट ऊपर गए, वो गिन लिया, बजट का वीडियो बना दिया, हो गया। इसके बाद अभी भी बोला, 3 दिन से बोल रहा हूं, आपको लेवल भी दिया था 17,230 से लेके 260 के बीच में हम आएंगे। एक बार आ गए, वहां से ऊपर चले गए, 650 के करीब गया। तो अगर वहां से देखो तो 400 पॉइंट आपको मिल गए। छोटे वाली कॉल तो आज कम से कम 15 से 20 गुनी बढ़ी है, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी की हो, है ना, वहां से वहां पहुंच गए, ठीक है। तो जो आपको इससे पहले मैंने बताया था आपको, यहां से मार्केट 15% बढ़ा, आप वहां पर जाके देख लो 15% बढ़ा है, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं वो हो रहा है ना। तो हमने एक ईयरली ग्रुप बनाया, इसमें बिना मतलब आप लोग मैसेज मत लिखो, जो आदमी बड़े पैसे से काम करते हैं ये उनका फायदा है। एग्जैक्ट जैसे नीचे उन्होंने खरीदवाया, जो टॉप था 2:30 बजे, मैं बोला पोजीशन कट कर दो पूरी, जो भी है शॉर्ट बनाने 25% बना सकते हो। एग्जैक्ट जहां से आपको मैसेज डाला है उसी टाइम पर उनको डाला, तो ये फायदा उनका है, उनको इसमें ट्रेडिंग नहीं करवाते, उनको ये पता होगा कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से शेयर चलेंगे, किस टाइम से किस टाइम चलेगा, मार्केट किस टाइम से पॉजिटिव रहेगा, किस टाइम से नेगेटिव है, ये यहां से 20% बढ़ेगा, कौन सा टाइम होगा जो मार्केट का हाई बनेगा, मेरी बात समझ गए, ये 1.5 महीना है इसमें हाई बनेगा मार्केट का, वो वाली चीजें इस ग्रुप में। तो जो 4-6, 10 लाख, 20 लाख रुपए से काम करते हैं ये उनके मतलब का है। देखो भाई आपके मतलब का नहीं है, आप उन चीजों को समझ के 15-20 हजार से ट्रेडिंग करने वाले आदमी का नहीं है,
अपने तो सिर्फ पेशेंस रखना है, मिल गया कर ली। आप 2000 की रोज सोच के चलोगे तो किसी दिन 10000 भी दे देगा मार्केट, ठीक है। वीडियो बड़ा हो रहा है। देखो यूक्रेन और रूस का युद्ध, मैंने आप लोगों को जब ये शुरू हुआ था 14 या 15 दिन हो गए थे, उस टाइम पे जाके वीडियो देख लो, मैंने आपको बताया था कि ये युद्ध अगर 27 दिन से ज्यादा चल गया तो ये लंबा चलेगा युद्ध, ठीक है। लंबा आप देख सकते हो, 1 साल से ज्यादा हो गया युद्ध को। अब ये युद्ध खत्म कब होगा ये आपको कोई नहीं बताएगा, और आप एग्जैक्ट आप नोट कर लो ये चीज, ये होगा ये युद्ध करीब करीब जुलाई के आजू बाजू, मतलब जुलाई से आसार पड़ना शुरू हो जाएंगे, 13-14 जुलाई के बाद, मतलब जुलाई एंडिंग तक इसका समाप्ति है युद्ध का। अभी आपको ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा होगा, आपको ये कोई भविष्यवाणी करेगा नहीं करेगा, उसका रीजन है ज्योतिष के अंदर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये चीज तो सुनी होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये तो आप लोग जानते हो। ऐसे ही जो हम यहाँ पे ज्योतिष में काम करते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर ये जैसे जो एक्स्ट्रा ग्रह है ना 9 के बाद में, जैसे नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, नोड, इनको उसमें ज्यादा अहमियत देते हैं। तो नोड क्या है, राशि परिवर्तन करेगा, ठीक है, मतलब एक राशि से नोड दूसरी राशि में आएगा। तो जब वो दूसरी राशि में मेष राशि में आएगा, जब ये मेष राशि में, मेरे अप्रोक्स जो मैंने देखा है 13 तारीख को, तो जब 13 तारीख को राशि जो चेंज करेगा, उस टाइम से ये जो युद्ध वाले हालात हैं ये बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी लंबी कहानी होती है, वो सारी चीजें आपको भी मतलब नहीं, आपका देखो भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप एक लाइन नहीं लिख सकते, इतनी कहानी क्यों सुनना है आपने, बस डेट नोट करनी है। तो देखो मैं आपको यहां डेट भी डाल देता हूं, 13 जुलाई 2023 के बाद, मतलब और अप्रोक्स जुलाई मान लो या इसके आजू बाजू, ये डेट नोट कर लेना, ये आपको फायदा कहां देगी, स्टॉक मार्केट में। युद्ध खत्म होगा तो क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बना रहा, कुछ आदमी मेरे को जो जानने वाले हैं वो मेरे को पूछ रहे थे, तो मैं बोला आपको भी बता देता हूँ। तो 13 जुलाई को जो है ये युद्ध जो है आपका समाप्त होगा, मतलब इस डेट को नहीं, इसके 10-15 दिन आगे पीछे, भाई इतने बड़ा युद्ध है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट मैं बनाना चाहता हूँ वीडियो के, फेड का इंटरेस्ट रेट कब कट करेगा। तो अगर ये वीडियो चाहेंगे तो आप लिख सकते हो, 2-4 मिनट का ही वीडियो अच्छा लगता है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।